संजीव कपूर खजाना, मेरा नाम है शीतल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ चॉकलेट कैसे मेल्ट किया जाता है। चॉकलेट मेल्ट करने से पहले आपको जो चॉकलेट मेल्ट करनी है उसको आप बारीक टुकड़ों में काट लीजिए ताकि ये मेल्ट होने में आसान हो। चॉकलेट मेल्ट करने के दो तरीके हैं, माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं या फिर डबल बॉयलर पे मेल्ट कर सकते हैं। माइक्रोवेव में आपको अगर मेल्ट करना है तो आप इस कटे हुए चॉकलेट को 10 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में गर्म कीजिए, वापस आप इसे निकालिए, आप चेक करिए कि ये मेल्ट हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो वापस से आप 10 सेकेंड के लिए इसे माइक्रोवेव में गर्म कीजिए। यदि आपके पास माइक्रोवेव ना हो तो आप डबल बॉयलर पे चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी डबल बॉयलर क्या होता है। डबल बॉयलर में आपको सबसे पहले पैन में पानी गर्म करना है। पानी गर्म करने के बाद आपको एक ग्लास बोल इसमें फिट करना है ताकि ये पानी के कांटेक्ट में डायरेक्टली ना आए। इस तरह से आपको ये डबल बॉयलर का सेटअप रेडी करना है। आप चॉकलेट को डायरेक्ट पैन में मेल्ट ना कीजिए, इससे आपका चॉकलेट बर्न हो सकता है, क्योंकि चॉकलेट एक बहुत ही सेंसिटिव प्रोडक्ट है जो कि डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में आने से बर्न हो सकता है। तो चलिए ये जो चॉकलेट है मैं इस बोल में ऐड करती हूँ। अभी ये चॉकलेट धीरे धीरे मेल्ट होगा। जैसे कि आप देख सकते हो चॉकलेट मेल्ट होना चालू हो गया है और थोड़ा 2 से 3 मिनट चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट होगा। इसको आप स्पून से मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, आप ध्यान रखिए मेल्ट करते वक्त ये जो स्टीम है आपके हाथ पे आ सकती है, तो आपको फ्लेम को थोड़ा कम करके चॉकलेट को मेल्ट करना है। इससे आपका हाथ जल भी सकता है, तो बहुत ही ध्यान से आपको चॉकलेट को मेल्ट करना है। ये देखिए चॉकलेट ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे आपको रूम टेम्परेचर तक ठंडा करना है। टेम्परिंग ज़रूरी है क्योंकि इससे चॉकलेट को एक अच्छी शाइन मिलती है। चॉकलेट टेम्पर होने के बाद आप इसे आपके मनपसंद शेप के मोल्ड्स में डाल के आप इसके चॉकलेट्स बना सकते हो, या फिर आप इसमें नट्स डाल के आपके मनपसंद के चॉकलेट्स बना सकते हो। यदि आपका चॉकलेट बच जाए तो आप इसे फॉइल लगा के वापस रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं और वापस इसे डबल बॉयलर पे चढ़ा के आप वापस से इसे यूज़ कर सकते हैं।